अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम फातिमा मलिक, आई एम टीचर ऑफ उर्दू ऑफ क्लास 3। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिलीज एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ COVID-19, सो बिकॉज ऑफ दिस आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट उर्दू। So take out books of Urdu and get ready for your lecture. आज का हमारा चैप्टर है ज़हीन लड़का। इस चैप्टर में हमें ज़हानत के बारे में बताया गया है कि एक बादशाह था, उसको कहानियाँ सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और एक बार उसका जी चाहा कि उसको कोई इतनी तावील कहानी सुनाए जो कभी ख़त्म ना हो। तो बादशाह ने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि कोई मुझे ऐसी कहानी सुनाए जो कभी ख़त्म ना हो, इतनी तावील हो कि कभी ख़त्म होने वाली ना हो। और बादशाह ने ऐलान करवाया तो मुल्क भर से लोग आए, बादशाह के दरबार में जमा हुए, बादशाह को कहानी सुनाना शुरू की। किसी की कहानी एक दिन में ख़त्म होगी तो किसी की कहानी दो दिन में ख़त्म होगी। कई लोग बादशाह की फरमाइश पूरी करने आए लेकिन कोई भी बादशाह की फरमाइश पूरी ना कर सका। एक लड़का बहुत ज़हीन था, उसने अपनी माँ से इजाज़त ली। उसने कहा, अम्मी जान आप मुझे इजाज़त दें, मैं बादशाह के दरबार में जाकर बादशाह को कहानी सुनाऊंगा। माँ ने इजाज़त दे दी, बच्चा बादशाह के दरबार में आया। उसने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जो बहुत तावील होगी बल्कि कभी ख़त्म ना होगी। बादशाह मुस्कुराया और बोला, बेटा घर जाओ, तुम कहाँ ऐसी कहानी सुना सकते हो। लड़के ने अदब से कहा, मुझे मौका तो दें, मेरी कहानी इतनी तावील होगी कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे और ख़त्म ना होगी। बादशाह ने कहा, अच्छा तो सुनाओ कहानी। अब लड़के ने कहानी शुरू कर दी। एक था बादशाह, उसका मुल्क बहुत खुशहाल था। उसको काबिल नजूमियों ने बताया कि अगले साल मुल्क में कहत पड़ जाएगा, आप अभी से इसका सामना करने की तैयारी कर लें। बादशाह ने कहत से निपटने के लिए 1 मील लंबा और 1 मील चौड़ा गोदाम तैयार करवाया और उस गोदाम के को चावलों से भर दिया और इस कमरे के सब दरवाजे अच्छी तरह बंद करवा दिए ताकि इसमें कोई दाखिल ना हो सके। एक दिन एक चिड़िया ने देखा कि उस गोदाम की छत में एक छोटा सा सुराख है। चिड़िया सुराख से गोदाम के रास्ते में दाखिल हुई और चावल का दाना चोंच में लिए बाहर आ गई। उसे चावल का दाना लाते देखा तो एक और चिड़िया सुराख के रास्ते अंदर गई और चावल का दाना लेकर बाहर आ गई। इसी तरह एक और चिड़िया ने उसको देखा चावल का दाना लाते हुए, वो अंदर गई, चावल का दाना लिया और बाहर आ गई। इसी तरह एक और चिड़िया ने देखा, वो चिड़िया अंदर गई और बाहर आई तो एक दाना उसकी चोंच में था। इसी तरह चिड़ियाँ बार बार गोदाम में दाखिल होती रहीं और चावल का दाना उठाए अपने अपने घोंसलों में जाकर अपने बच्चों का पोटा भरती रही। पोटा मीन्स कि अपने बच्चों का पेट भरती रही। बादशाह बोला, फिर क्या हुआ। लड़का बोला, फिर ये हुआ कि पहले तो एक एक चिड़िया आ रही थी, अब अचानक चिड़ियों के गोल आने लगे। आसमान पर हर तरफ चिड़ियों के अलावा कुछ और नज़र ना आ रहा था। चिड़ियां बारी बारी सुराख से गोदाम में दाखिल होती और चोंच में चावल का दाना लिए बाहर आकर फिजा में गायब हो जाती। गोदाम में सुराख से एक चिड़िया अंदर जा रही थी तो एक बाहर आ रही थी, एक अंदर जा रही थी तो एक बाहर आ रही थी। बादशाह सलामत उसकी बात काट कर बोला, बस करो, ये बताओ इसके बाद क्या हुआ। लड़का झट बोला, बादशाह सलामत, जब चिड़ियां चावल के सारे दाने ले जाएंगी तो कहानी आगे बढ़ेगी। बादशाह मुस्कराया और कहने लगा, बस करो, मान गया, तुम्हारी कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। बादशाह लड़के से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो लड़के से खुश होकर बादशाह ने लड़के को इनाम में रुपयों की थाली दी और उस लड़के के माँ बाप को बुलाकर लड़के की ज़हानत की तारीफ़ की। और इस कहानी में हमें ज़हानत के बारे में बताया गया है कि इंसान ज़हीन हो तो हर काम कर सकता है, इंसान ज़हीन हो तो हर मसले का हल तलाश कर सकता है। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि सबक आमोज़ कहानियों से आदमी बहुत कुछ सीखता है।
वो बच्चा एक छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा ज़हीन था। उसकी ज़हानत के आगे बड़े बड़े हार गए, यानी बहुत से लोग बादशाह को कहानी सुनाने आए लेकिन कोई भी ऐसी कहानी ना सुना सका जैसी बादशाह चाहता था। लेकिन ये बच्चा छोटा था लेकिन ज़हीन था, इसने अपनी ज़हानत की वजह से बादशाह को कहानी सुनाई। बादशाह ने इसकी ज़हानत की तारीफ़ की और बादशाह इसकी ज़हानत से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसके बच्चे की ज़हानत की वजह से, बच्चे को अपनी ज़हानत की वजह से इनाम में रुपयों की थैली बादशाह ने दी। ज़हानत से इंसान बहुत कुछ कर सकता है, यानी इंसान ज़हीन हो तो उसके आगे कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। इंसान हर काम, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकता है। बच्चों, क्या आप ज़हीन बनना चाहते हैं? अगर आप ज़हीन बनना चाहते हैं तो आपने डेली बुक्स रीडिंग करनी है, चाहे वो उर्दू की बुक हो चाहे इस्लामियात की बुक हो। डेली आपने बुक रीडिंग करके अपनी मम्मा से शेयर करना है कि आपने जो बुक रीडिंग की है, आपने इस बुक में से क्या सीखा है। बच्चों, अब आपकी कवायद है, पेज नंबर है 21। इसमें हमें सवालिया जुमले के बारे में बताया गया है कि सवालिया जुमला किसको कहते हैं। सवालिया जुमला यानी ऐसा जुमला जिसमें कुछ पूछा जाए, यानी पूछा जाए, सवाल किया जाए, सवालिया जुमला कहलाता है। ऐसा जुमला जिसमें कुछ पूछा जाए सवालिया जुमला कहलाता है। सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया की इलामत यानी क्वेश्चन मार्क की इलामत लगाई जाती है। ये वाली इलामत जो होती है इसको हम कहते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क की जो इलामत है इसको हम कहते हैं सवालिया इलामत। ये इलामत क्वेश्चन के एंड पे लगती है, इसको हम कहते हैं सवालिया जुमला। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या यहाँ कोई मैदान नहीं, यानी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है इसमें, इसलिए ये सवालिया जुमला है, इसको हम कहेंगे सवालिया जुमला। इसी तरह की एक और मिसाल है, क्या खेलने को और कोई जगह नहीं, यानी सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास खेलने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसलिए ये भी सवालिया जुमला है और इसके आहर में हम सवालिया की इलामत लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड, सो यू शुड राइट इट ऑन योर उर्दू कॉपीज। थैंक्स ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, यू मे कीप प्रेइंग फ्रॉम अल्लाह टू कीप अस सेफ एंड ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड द प्रेजेंट COVID-19. Allah Hafiz.